शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने बर्फबारी के दौरान पुलिस दल की तैनाती तथा चेन युक्त गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आपातकालीन समय में कार्यवाही अमल में लाई जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में एम्बुलेंस को चेनों से लेस कर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी तैयारियां सुनिश्चित करें, ताकि बर्फबारी के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। किसान आंदोलन के एक साल पूरा होने पर देश भर में आज धरना प्रदर्शन किए गए। शिमला में भी शेरे पंजाब पर हिमाचल किसान सभा व अन्य वामपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया व केंद्र की मोदी सरकार से किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने की डिमांड की है। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने बताया कि किसान तीन कृषि कानून के विरोध में देश भर में एक साल से आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि तीन कानूनों की वापसी का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन किसानों की अन्य मांगे भी इससे जुड़ी है। किसानों को फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए व इसके लिए कानून बनाया जाए। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल को वापस लिया जाए। कुलदीप तनवर ने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर बनाए गए मुकदमों को वापस लेने के साथ साथ लखीमपुर खीरी हादसे में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर देश भर के किसान 29 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। दुख इस बात का है कि जब 750 के करीब किसानों ने शहादत दी, उसके बाद इन कृषि कानूनों को वापस लिया गया। इस समय जो मुख्य मांग किसान आंदोलन की है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटी में मिले, उसको एक कानून का एक दर्जा दिया जाए, पहली मांग ये है। दूसरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको सरकार ने जो 12 दौर की वार्ता हुई थी उसमें कहा था उसे वापस लिया जाएगा, उसे नहीं लिया गया। इस संसद सत्र में उसे भी वापस लिया जाए। तीसरा है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल है, NCR रीजन और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर है, उसमें जो पीनल क्लॉजेज है पराली जलाने के लिए, उसे वापस लिया जाए। इसके अलावा इस एक साल के दौरान जो लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, और उनके ऊपर जो पर्चे दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर जो डिफरेंट केसेस हैं, उसे सरकार वापस ले। जय मिश्र इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्हें ना उनको उनके पद से हटाया गया, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है, और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे, जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट
राष्ट्रीय लोक नीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।